पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अहलिया ईज़ा असद रसूल कॉमेस्टिस यूनिवर्सिटी की 1,86,00,000 रुपए की नादहिंदा निकली। दस्तावेज के मुताबिक शहबाज गिल की अहलिया सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई, लेकिन 11 साल बाद भी वापस ना आई, जिसके बाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शो कॉज नोटिस भेज दिया। दस्तावेज के मुताबिक ईज़ा असद रसूल ने मार्च 2011 में PhD के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने सरकारी फंड से $99,000 और ₹85,000 की रकम फराहम की। मिसेस शहबाज गिल ने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से माहदे के तहत 2016 में PhD मुकम्मल करना थी और माहदे के तहत डिग्री के बाद ईज़ा असद रसूल ने वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। दस्तावेज के मुताबिक माहदे की रूह से अब शहबाज गिल की अहलिया को सरकारी फंड से जारी रकम वापस करना है, लेकिन मिसेस शहबाज गिल ने यूनिवर्सिटी में अपने काम की रिपोर्ट्स नहीं दी और खतूत के जवाब देना बंद कर दिए। वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के नोटिसेस का जवाब देने से भी गुरेज करती रहीं। दस्तावेज में कहा गया है कि शहबाज गिल की अहलिया को इस सरकारी रकम पर 25% जुर्माना भी अदा करना है और मजमूई तौर पर ईज़ा असद रसूल को तकरीबन 1,86,00,000 रुपये यूनिवर्सिटी को अदा करने हैं। दस्तावेज में यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया से $99,000 की सरकारी अखराजात की वापसी का मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल अहलिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर असरानंदाज होते रहे।